विद्यार्थी, आप सबका स्वागत लेक्चर नंबर 10 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो हेडिंग लगाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर, और आज हम पढ़ने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और हमें पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर कितने तरीके होते हैं। दो तरीके के होते हैं। पहला था सेंटर टेप्ड, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा था ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, तो दोनों तरह के रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे। ये अपने 12th बोर्ड में है, ये नहीं है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से दोनों पढ़ने हैं। और खास बात, आज हम आज के लेक्चर में केवल और केवल ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो रिजल्ट मैं इसके लिए बताने वाला हूँ, जैसे एफिशिएंसी हो गया और भी जो चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ें इसके लिए भी वैलिड रहेगी, ठीक है। लेकिन इसे हम अलग से पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। चलो, तो हेडिंग लगाएंगे सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। पहला रेक्टिफायर पढ़ते हैं, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। तो इतना हमें पता है कि रेक्टिफायर जो है कोई सा भी हो, उसका एक काम है क्या, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज करते थे, फुल वेव रेक्टिफायर में कितने, दो। ओके, तो ये थी खास बात। तो रेक्टिफायर सर्किट विथ टू डायोड, विथ टू डायोड, टू डायोड इज नोन एज सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, इज नोन एज सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। जब एक डायोड लेते थे तो क्या बनता था, हाफ वेव रेक्टिफायर। दो डायोड लेंगे तो क्या बन जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बात है, मजा आ गया। तो हमें पता है कि भाई इसका काम क्या होता है, रेक्टिफायर का, एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में, है ना। बीच में रहता है रेक्टिफायर और एसी मुझे इनपुट देना है। तो सबसे पहले बनाएंगे क्या, इनपुट बना दिया। चलो थोड़ा सा छोटा ही बना दें, यहाँ पर एसी। ओके, एसी है अपना इनपुट, इनपुट एसी। ये इनपुट एसी रेक्टिफायर के थ्रू होकर जाना है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मर, याद है कि नहीं। सबसे पहला काम होता है ट्रांसफॉर्मर। ये है ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल, बस नाम है और उससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है हाल फिलहाल इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये होती है प्राइमरी कॉइल, ये होता है सेकेंडरी कॉइल। तो वैसे उसका कोई लेना देना है नहीं, तो गोली मारो उसे, ठीक है। अब आगे, अब यहाँ पर स्टूडेंट दो डायोड लगाने हैं, ठीक है। आप रेक्टिफायर में एक लगा देते हैं, यहाँ दो लगाएंगे, पहला डायोड और ये दूसरा डायोड, ठीक है। ये सर्किट 80% कंप्लीट हो गया। अब देखो, एसी आएगा, डायोड रेक्टिफाई करेगा, रेक्टिफाई करके कहाँ भेजेगा, लोड को। लोड मतलब मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जिससे पावर चाहिए, है ना। तो लोड को हम आर एल से दिखाते हैं। तो उस लोड को हम यहाँ पर कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ से एक वायर लिया, ठीक है, और यहाँ पर आर एल दिखाना है। ओके, और दिख जाएगा, एक मिनट देखो मैं आपको, दिख जाएगा क्या नीचे में, हाँ दिख जाएगा। ये है अपना लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पर मुझे आउटपुट चाहिए, है ना। तो इसका सर्किट कहाँ कंप्लीट करना है, देखो हाल फिलहाल अभी याद रखो, मैं लास्ट में रीजन बता दूंगा कि सेंटर टेप क्यों किया। नाम क्या है इसका, सेंटर टेप। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कनेक्शन बनाते हैं ठीक सेंटर में, ठीक है, और वो सेंटर बना करके सीधा एक वायर लगा करके इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ, ठीक है। तब जाकर के ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया अपना यहाँ पर आउटपुट लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम डीसी देंगे, है ना। ये वायर है ऐसा ऊपर करके, तो सब बताया है मैंने निकाल दिया। चलिए, इसे कहते हैं डायोड D1, इसे कह देते हैं डायोड D2, कोई दिक्कत किसी को नहीं।
तो इससे भी मिटा देते हैं। तो ये डायोड D1 है। चलो समझते हैं अब इसे। इनपुट वाला साइकिल कुछ ऐसा है क्या? जी हाँ, ये ऐसा ही है। ये ऐसा ही है, ठीक है? ये एक साइकिल है, दूसरा साइकिल, साइकिल चलाने वाला नहीं, साइकिल अपना सिग्नल वाला साइकिल, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है? करंट समझो या वोल्टेज समझो, कुछ भी समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है इनपुट। इनपुट ऐसी है, ऐसी वोल्टेज कहो या करंट कह लो, है ना? चलिए, तो ये अभी प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है ना? खैर, हम ये मुद्दा देख लेंगे बाद में भी, है ना? चलो अब देखते हैं आउटपुट कैसा क्या आएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, ए फोर, ए ही होता है फोर को, ठीक है? और बी फोर बी। चलिए इसको नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू। आसानी होगी अभी, देखो कैसे ना। अब आउटपुट देखेंगे कैसे आएगा। सबसे पहले मैं इसकी सुंदरता को बढ़ा देता हूं। ये हुआ। अब देखो ये जो साइनोसोइडल एसी है, इसका हम पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव वाला ये देखेंगे, ये वाला देखेंगे। तो देखो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला वाला पॉइंट ऊपर दिख जाएगा, दिख जाना चाहिए, दिख जाएगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, है ना? केवल इसकी बात करें, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये पी टाइप, ये एन टाइप। तो देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है पी टाइप D1 डायोड का, है ना? तो डायोड D1 क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि पॉजिटिव पी टाइप से कनेक्टेड है। यहाँ पर नेगेटिव पी टाइप से कनेक्टेड, यानी कि डायोड D2 क्या होगा? रिवर्स, है ना? सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, एंड डी टू इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। सही। तो डायोड D1 तो हो गया फॉरवर्ड बायस और D2 हो गया रिवर्स बायस, ठीक है? तो D2 है भैया रिवर्स बायस है, सही भी है। तो डायोड D1 और D2 को हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कर दिया। करने के बाद अब देखें कि ये तो आउटपुट देगा, जो फॉरवर्ड बायस है वो तो आउटपुट हमें देने वाला है, तो ये आउटपुट हमें देगा, ये आउटपुट नहीं देगा। सो हेंस वी विल गेट आउटपुट बिकॉज ऑफ द डायोड D1, ओके? हेंस वी गेट द आउटपुट बिकॉज ऑफ डायोड D1, ठीक है? तो देखो पहले वाले पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिला, आउटपुट मिला, हमें डीसी मिलना है तो डीसी लिख दिया यहाँ पर। ये ऐसा मैंने एक सिग्नल बना दिया कि ऐसा इनपुट था, ऐसा कोई आउटपुट मिल गया, क्योंकि इसके लिए हमें आउटपुट मिला है। कौन दिया है? डायोड D1 दिया है, ठीक है? अब अगर यहाँ पूछ लेता कि करंट कैसे फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ कैसे फ्लो करेगा, तो देखो ये फॉरवर्ड बायस है तो ये करंट को जाने देगा, कि भाई करंट जा सकती है, क्या ये जाने देगा? ये नहीं जाने देगा, ये तो रिवर्स बायस से ओपन हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो करंट यहां से गया, यहां गया, अब यहां आ सकता है क्या?
नहीं, इसीलिए लोड को हमने अलग से लगाया, समझे? अब तो ये यहाँ गया, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, 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 फिर सर्किट कंप्लीट हो गया। यानी कि पहली वाली सिचुएशन में पाथ ऑफ करंट, तो इसी के आगे लिख लेना पाथ ऑफ करंट, यहाँ लिख देता हूँ पाथ ऑफ करंट विल बी, क्या होगा? पाथ ऑफ करंट फ्लो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए से, है ना? ए से गया डायोड डी वन के थ्रू, डी वन से फिर गया पी पर, पी से गया लोड आर एल, आर एल से क्यू, आर एल दिख जा रहा है ना यहाँ पर मैंने जो लिखा नीचे, हाँ दिख जाएगा, आर एल से क्यू, क्यू से फिर आ गया वापस ए पर, यानी कि सेंटर टेप पर, ठीक है? तो ए से स्टार्ट हुआ और ए पर पहुंच गए, आता ना? तो ये डायोड D1 के कारण करंट आया। अगला, फिर से सर्किट वैसा ही बना देते हैं, है ना, सारी बातें भूल जाते हैं। तो अगला अब नेक्स्ट साइकिल देखेंगे, भाई नेक्स्ट साइकिल में क्या हो रहा है। चलो देखें, फिर से डायोड लगा देते हैं, अलग अलग सर्किट बनाना है वरना भूल जाओगे। चलिए अब सेकंड वाले साइकिल में, अब इसको भूल जाओ, इसकी कहानी खत्म। दूसरे वाले हाफ साइकिल में ये नेगेटिव है, यानी कि अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, उल्टा हो गया है, अल्टरनेट है ना? तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है? तो ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है? चलो अब देखो, नेगेटिव कनेक्टेड है पी टाइप से, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है पी टाइप से, तो डी वन क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड, और पॉजिटिव कनेक्टेड है डी टू डायोड से, यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड, यानी कि इस बार करंट कौन देगा, डी टू देगा। तो देखते हैं, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉइंट नंबर टू, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, है ना, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट डायोड डी टू और डी वन, डी वन किस में, डी वन तो हो गया रिवर्स बायस हो गया है ना, डी वन हो गया रिवर्स बायस, डी टू इज इन फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, एंड वी गेट द आउटपुट बिकॉज ऑफ डी टू। चलिए तो ये हो गया क्या, रिवर्स बायस, रिवर्स हो गया तो ये ऐसा हो गया ओपन, और ये करंट को जाने देगा, क्योंकि तो करंट जा सकती है ना? तो देखो करंट कैसे फ्लो करेगा इस बार, देखें जरा। चलिए डायोड डी टू है, मतलब फॉरवर्ड बायस से करंट जाने देगा कुल मिलाकर के। ओके, करंट भेजते हैं, यहीं से करंट स्टार्ट हुआ, यहाँ से करंट जाना स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऐसा 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 ऐसा, फिर यहाँ पर आ गया और फिर से वही रास्ता, यानी कि पाथ ऑफ करंट फ्लो विल बी, बी से स्टार्ट हुए हम, है ना, बी से स्टार्ट हुए, बी से हम गए डायोड डी टू में, डी टू से पी आर एल क्यू, फिर से कहाँ आ गए, बी पर आ गए। ओके, और आउटपुट मिला है, हाँ आउटपुट मिला है डायोड डी टू के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे फिर से देखो, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब कौन फॉरवर्ड बायस कौन रिवर्स बायस होगा, अब तो पता चल गया आपको, फिर से रिपीट होगी वही कहानी, डी वन और ये डी टू, तो फिर से फॉरवर्ड बायस होगा कौन, डी वन, फिर से फॉरवर्ड बायस होगा कौन, डी टू। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही साइकिल मिलता था, उसके बाद खाली, उसके बाद फिर से खाली, यानी कि आधा मिलता था। इसमें देखो पूरा इनपुट मिल रहा है, पूरा जितना इनपुट था उतना आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पर भी आउटपुट, यहाँ पर भी आउटपुट, इसलिए इसका नाम क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर इसका नाम है। हाई बात सुनना, चलिए तो मिटाते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज यहाँ पर जो नोट करने लायक है वो ये कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी थी,
40.6%। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज व्हाट? 40.6%। और वहीं पर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, वेदर इट्स ए सेंटर टैप और ब्रिज, दोनों के लिए सेम है, फुल वेव रेक्टिफायर इज 81.2%। तो ये लगभग कितना है? 40। ये लगभग कितना हो गया? 80। क्या ये वाली एफिशिएंसी इसका डबल है क्या? ऑफ कोर्स, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी डबल होता है हाफ का, है ना? तो एफिशिएंसी मैक्सिमम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ गए? ये था फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का छोटा सा कंसेप्ट। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी दिल्ली दूर है। अब हम इसमें एक छोटी सी कहानी और इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या है वो कहानी, देखते हैं। सेंटर टैप की आधी कहानी हमने पढ़ ली है और आधी कहानी आगे बाकी। तो देखो, अब तक हमने क्या देखा है कि इनपुट देते हैं हम ए सी, ठीक है? ए सी हमने इनपुट दिया, ऐसा ही था। तो ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसा चलता रहता है एसी में। तो इस एसी को हमने भेजा रेक्टिफायर के पास, तो रेक्टिफायर ने अपना काम किया। अब चाहे रेक्टिफायर रेक्टिफायर जो था वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फिर फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों में एक चीज थोड़ी सी कॉमन है कि चाहे आप हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए देखो या फिर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए देखो, दोनों का अगर ग्राफ ठीक से ऑब्जर्व किया जाए तो एक चीज सामने आती है, वो ये कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ये कुछ ऐसा मिलता था आउटपुट, सही है? और वहीं पर फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ये ऐसा मिलता था। बस इतना ही फर्क है कि इसमें दोनों कंटिन्यूसली सारे सिग्नल मिलते रहते हैं, सारे साइकिल आउटपुट में आते हैं, इसमें एक साइकिल फिलअप नहीं रहता है, मतलब बीच में साइकिल खाली रहता है, आउटपुट नहीं मिलता, ठीक है? इसमें डायोड D1 D2 जो भी था। अब आप देखेंगे कि इसके नीचे तो कुछ नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं मतलब पॉजिटिव है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स इसका डीसी, और ये भी क्या है, डीसी है। लेकिन एक तो डीसी ये हो एकदम कॉन्स्टेंट वैल्यू, और एक डीसी ये हो, इस डीसी और इस डीसी में क्या फर्क है कि ये है प्योर डीसी और ये है डीसी विद फ्लक्चुएशन, कि कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं इसका कि पहले यहां पर थी फिर यहां फिर यहां फिर यहां, तो वैल्यू चेंज हो रहा कंटिन्यूअसली, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट। तो जब वैल्यू चेंज हो तो इसे हम कहेंगे डीसी प्लस फ्लक्चुएशन, या फिर इसे कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी वे, पल्सेटिंग डीसी कह सकते हो, जिसमें पल्स की तरह ये क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, सही है? तो ये पल्सेटिंग सिग्नल हुआ या पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज हुआ। अब देखो, इनपुट ऐसा था, आउटपुट में डीसी मिला, लेकिन डीसी भी कैसा फ्लक्चुएशन के साथ है ना? डीसी भी कैसा है, फ्लक्चुएशन के साथ है। तो हम एक जनरल केस लेते हैं कि फ्लक्चुएशन वाला केस लेते हैं कि फ्लक्चुएशन हो तो क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है? ये बना लेना है, ठीक है? नाउ वी विल टॉक अबाउट इन जनरल। तो मान लो, जनरल टॉक करते हैं इसके, कि एक ऐसी इनपुट दिया, ठीक है, और फिर उसको रेक्टिफायर के पास भेजा, रेक्टिफायर, ठीक है, और फिर फाइनली मुझे डीसी मिला है, डीसी मिला है, डीसी वोल्टेज मिला है, लेकिन वो वोल्टेज क्या कर रहा है, फ्लक्चुएशन कर रहा है, ऐसा है ना? तो ये क्या है, फ्लक्चुएशन है, और ये इसका फिक्स वैल्यू होना चाहिए था लेकिन है नहीं,
फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे कर रहा है ना, तो फिक्स वैल्यू नहीं है इसका, नहीं है मतलब डीसी प्लस फ्लक्चुएशन। ये हमने केस लिया कि मतलब कैसा भी फ्लक्चुएशन हो तो हम क्या पढ़ना चाहते हैं उसमें, है ना। या फिर इसे क्या कहते हैं, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज या फिर करंट। चल इतनी बात समझ में आई। अब आपको पता लग रहा होगा कि ये ऐसा फ्लक्चुएशन किसकी वजह से आ रहा, ऐसा नेचर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा नेचर तो ऐसे का खुद का था, है ना। ऐसा ही नेचर ऐसे का होता है, वही नेचर डीसी के साथ भी आ गया। यानी कि इस डीसी में कुछ कंपोनेंट है किसका, ऐसे का। तो डीसी प्लस यहाँ पर कुछ कंपोनेंट है किसका, कंपोनेंट ऑफ एसी। और वही कंपोनेंट क्या कर रहा है, फ्लक्चुएशन दे रहा है। वही कंपोनेंट क्या कर रहा है, फ्लक्चुएशन दे रहा है, ठीक है। ऊपर दिख रहा है ना, दिख जाएगा, फ्लक्चुएशन लिखा ऊपर में ना, फ्लक्चुएशन। तो ऐसे कंडीशन जब आए तो उसे क्या कहते हैं, कि कैसे पता चलेगा कि कितना इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कितना कम हो रहा है। तो एक चीज तो जाहिर है कि जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा वो उतना ही घटिया है, और जितना कम फ्लक्चुएशन होगा वो उतना ही बढ़िया है। जैसे ये अब इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ इतना चेंज, तो फ्लक्चुएशन ज्यादा है। इसमें देखो थोड़ा ही चेंज हो रहा है ना, तो इसमें फ्लक्चुएशन क्या है, कम है। इसमें फ्लक्चुएशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन का कम या ज्यादा होना ये हर बार हम ग्राफ देख के बताएंगे क्या, नहीं, जरूर नहीं हर बार ग्राफ है अपने पास। तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर में सबसे पहले समझेंगे रिपल का मतलब क्या है। रिपल का मतलब ये है कि जो डीसी वेव को हमें मिला है उसमें जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो किसकी वजह से आता है, एसी की वजह से आता है। सो द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एन एसी कंपोनेंट अलोंग विद डीसी इज कॉल्ड रिपल। तो क्या लिखेंगे कि जो आउटपुट है रेक्टिफायर का उसमें स्मॉल फ्रैक्शन होता है किसका, एसी का, उसी को क्या कहते हैं, रिपल कहते हैं, ठीक है। तो द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसी कंपोनेंट विद डीसी, विथ डीसी इज नोन एज रिपल। कि किसी भी डीसी में एसी का कितना योगदान है वही चीज क्या है, रिपल है। और वही चीज रिपल ही क्या दिखाता है, फ्लक्चुएशन। तो जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है मतलब उसमें एसी कंपोनेंट ज्यादा है, मतलब उसका रिपल ज्यादा है। जिसका फ्लक्चुएशन कम है उसका एसी कंपोनेंट भी कम है, उसका रिपल भी कम है, सही। अब बात आती है कि ये तो डेफिनेशन है, क्या वो फॉर्मूला है जिससे पता लग जाए कि रिपल कम है या ज्यादा, जिससे पता चल जाए फ्लक्चुएशन कम है या ज्यादा। तो एक फॉर्मूला है, दैट इज डिफाइंड बाय रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर कहता है क्या, कि रिपल फैक्टर आरएमएस वैल्यू ऑफ द डीसी कंपोनेंट, सॉरी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, एंड वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, इसका रेशियो ही क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है। जैसे फॉर्मूले के फॉर्म में और अच्छे से लिखना चाहो तो आई आरएमएस अपॉन आई डीसी, इन दोनों का रेशियो ही जो होता है वो क्या होता है, रिपल फैक्टर, ठीक है।
अब IRMS IDC जैसे दिया रहेगा वैसे हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखो जिसका फ्लक्चुएशन जितना कम है उसमें एसी कंपोनेंट कम है, और एसी कंपोनेंट कम है तो रिपल फैक्टर भी क्या होगा, कम होगा। तो इन शॉर्ट ये समझो कि फ्लक्चुएशन डिजायरेबल नहीं है। फ्लक्चुएशन हम चाहते हैं कि आए? नहीं, कभी नहीं चाहते, है ना। तो हम ये कहना चाहेंगे कि द रिपल इज अनडिजायरेबल एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द रेक्टिफायर आउटपुट। ओके, रिपल इज अनडिजायरेबल एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द रेक्टिफायर आउटपुट। ओके, फॉर द फ्लक्चुएशन इन रेक्टिफायर आउटपुट, कि रेक्टिफायर के आउटपुट में जो फ्लक्चुएशन आता है वो इसी रिपल की वजह से ही आता है कि कितना ऐसे कंपोनेंट उसमें आ गया साथ साथ, है ना। चलो ठीक है, अब बात आती है कि बताओ फिर फ्लक्चुएशन हाफ वेक्टर में ज्यादा होता, हाफ वेव रेक्टिफायर में ज्यादा है या फिर फ्लक्चुएशन फुल वेव रेक्टिफायर में ज्यादा है। सो प्रैक्टिकली वी विल फाउंड, और वी हैव फाउंड ऑलरेडी, क्या हमने ये फाउंड किया कि एक जो हाफ वेव रेक्टिफायर है और एक तरफ जो फुल वेव रेक्टिफायर है, पहला तो हमने ये पता लगाया कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी, 40.6%, इसकी कितनी, 81.2%, ठीक है। दूसरा हमने ये पता लगाया कि इसका जो रिपल फैक्टर होता है और इसका जो रिपल फैक्टर है, दोनों हमें याद रखने हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ आप लोगों को। हाफ वेव रेक्टिफायर का है 1.21 और इसका है 0.48। तो बताओ रिपल फैक्टर कम किसका है, इसका है। तो इसका रिपल फैक्टर कम है, इसका रिपल फैक्टर ज्यादा है। तो जिसका रिपल फैक्टर ज्यादा हो उसका फ्लक्चुएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है और इसमें फ्लक्चुएशन कम है, बहुत कम है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब कई बार यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा टर्म डिफाइन होता है रिपल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी डिफाइन होता है रिपल फ्रीक्वेंसी, मतलब रिपल जो आया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एसी इनपुट की है, सेम एज एसी इनपुट, सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इनपुट। जो एसी आपने दिया ना अल्टरनेटिंग करंट, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वही रिपल फ्रीक्वेंसी होता है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। और जबकि इसमें क्या है, 2 से मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इनपुट। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है कि हाफ में आधे साइकिल मिलते हैं, तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी मिली है वही उसकी रिपल फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक है। और जबकि इसमें 2 साइकिल मिलते हैं, सारे मतलब जितने साइकिल हैं सभी आउटपुट मिलते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, और इसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, डबल होती है ना। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी डबल होती है हाफ वेव रेक्टिफायर से, वैसे भी याद रख सकते हो, जिसका एफिशिएंसी डबल है उसका फ्रिक्वेंसी डबल। और लास्ट इसमें एक पॉइंट, इसका जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी भी पूछते हैं कई बार, आउटपुट फ्रिक्वेंसी देख के पूछ लेते हैं कि इसका आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होना चाहिए हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी वही है जो रिपल फ्रिक्वेंसी है, सेम एज एसी इनपुट। एसी इनपुट, एसी का जो फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी का होगा, इसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल होगा, डबल ऑफ एसी इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया भाई क्या, कि फ्लक्चुएशन के नाम पर हमने ये चीजें पढ़ ली, ठीक है। इसे मिटा देते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं।
अब तीसरा पॉइंट इसमें एक और जो इंट्रोड्यूस करना हमें फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या है, वो ये है कि अब तक हमने जो कहानी पढ़ी वो ये कि एक हम देते हैं ऐसे इनपुट, ठीक है, किसको, रेक्टिफायर को। वो रेक्टिफायर क्या करता है, वो रेक्टिफायर जैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं अभी, ठीक है, ये ऐसी है, रेक्टिफायर इसने रेक्टिफाई कर दिया, मान लो ये रेक्टिफाइड आउटपुट है, तो देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा लेकिन फ्लक्चुएशन कर रहा था। तो हमने देखा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है या फिर फुल वेव रेक्टिफायर है उनका आउटपुट ऐसा आता है, कॉन्स्टेंट लाइन नहीं आता, यानी कि फ्लक्चुएशन है। तो फ्लक्चुएशन कितना है वो हमने पता किया एक नए कंसेप्ट से, वो क्या था, रिपल फैक्टर, कि जिसका जितना ज्यादा रिपल फैक्टर है उसका उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, और हाफ वेव रेक्टिफायर का फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। ओके, जो आपके लिए याद रखना है, ठीक है, फाइंड आउट करना होता है सेकंड या थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में। ठीक, तो यहाँ तक की बात सही है। अब बात यह आती है कि आपने तो ये पता लगाया कि फ्लक्चुएशन है कितना, कोई ये कह दे कि फ्लक्चुएशन हटाओगे कैसे, एकदम ऐसा डीसी कैसे लेकर आओगे, है ना, ये डीसी कैसे लेकर आओगे, तो उसके लिए क्या उपाय है। तो उसके लिए आप कहेंगे देखो कि अगर कैसे भी करके इस फ्लक्चुएशन को हटा दें, है ना, फ्लक्चुएशन को हटा दें तो ऐसा मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें एक सर्किट यूज करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं फिल्टर सर्किट। तो पॉइंट लिखेंगे नया कंसेप्ट इसी के अंदर, सेंटर टेप के अंदर, कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिल्टर सर्किट। पहला पॉइंट इसके अंदर लिखोगे, ए फिल्टर सर्किट इज यूज्ड टू रिमूव द फ्लक्चुएशन। ओके, सर्किट इज यूज्ड टू रिमूव, तो ए फिल्टर सर्किट इज यूज्ड टू रिमूव द फ्लक्चुएशन और यू कैन से रिपल। ओके, दोनों सही है, रिपल को या फ्लक्चुएशन को। तो ए फिल्टर सर्किट इज यूज टू रिमूव द रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट। रेक्टिफायर आउटपुट, रेक्टिफायर के आउटपुट से रिपल को रिमूव करना, यानी कि फ्लक्चुएशन को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट के लिए। तो मतलब यहाँ से यहाँ जाना है तो फिल्टर करना पड़ेगा, है ना। तो अब फिल्टर को, फिल्टर का काम ये होगा, फिल्टर के लिए काम करेगा कौन, लेकिन फिल्टर का काम करेगा कौन, या फिर फिल्टर सर्किट होता क्या है, फिल्टर सर्किट का मैंने तो यूज बताया है ना। तो अगला लिखेंगे, ए फिल्टर सर्किट इज ए सर्किट विच अलाउ और विच रिमूव ऐसी कंपोनेंट एंड अलाउ ओनली डीसी कंपोनेंट। तो ये बढ़िया है कि नहीं, फिल्टर सर्किट ऐसा सर्किट है जो एसी को जाने नहीं देगा, तो एसी जो है इसको जाने नहीं देगा, तो केवल क्या भेजेगा, डीसी भेजेगा, ये उसका काम है। अब बात आती है कि ऐसा फिल्टर सर्किट तो ठीक है, डेफिनेशन बढ़िया है, लेकिन ऐसा फिल्टर सर्किट है कौन, कौन सा था ऐसा, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो फिल्टर सर्किट की तरह बिहेव करेगा अपने लिए। तो इसका है कैपेसिटर फिल्टर, एक कैपेसिटर इज यूज्ड एज ए फिल्टर सर्किट। कैसे, देखो अब बताते ना, लास्ट में दिख जाएगा ना, नीचे वाला देखें जरा, दिख जाएगा। चलो देखो, यहां से मैंने एक एसी भेजा, एसी गया किसके पास, रेक्टिफायर के पास, मान लो ये फुल वेव रेक्टिफायर है सेंटर टेप, ठीक है, तो वो आउटपुट कैसा देता है,
ऐसा देता है। अब अपना टारगेट है कैसा, ऐसा लेकर आना, लगभग ऐसा लेकर आना है। तो इसलिए बीच में क्या यूज करेंगे, फिल्टर सर्किट, ठीक है। और फिल्टर सर्किट में क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर, C4 कैपेसिटर। आई बात समझ में? तो ऐसा ऐसा डायग्राम बना लेना है ताकि दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। चलो अगर छप जाएगा तो छपते हैं इसे, कैसे ये वर्क करेगा, क्या होगा, तो वर्किंग में चलते हैं, ठीक है। ये बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लो डायग्राम समझने के लिए। तो बहुत आसानी से समझते हैं ना। सबसे पहले मैंने एसी इनपुट दिया, ठीक है। एसी इनपुट किसको दिया, रेक्टिफायर को। तो रेक्टिफायर पूरा तो नहीं बनाऊंगा मैं, है ना, एक डब्बा बना देता हूँ। तो ये रेक्टिफायर है, तो डब्बा छोटा ही बना देते हैं। तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर है। अब यहां पर इनपुट कैसा रहा होगा, ऐसा। रेक्टिफायर के बाद आउटपुट कैसा रहता है, आउटपुट ऐसा रहता है फुल वेव रेक्टिफायर के बाद, ठीक है। अब मुझे क्या लगाना है, फिल्टर। फिल्टर लगाना है तो यहां एक फिल्टर लगा दिया, कैपेसिटर, ठीक है। ये फिल्टर का काम करेगा, और ये फिल्टर करके कहाँ भेजेगा, लोड को भेजेगा। लोड यानी कि आर एल, हो गया। चलिए अब यहाँ देखना हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो देखते हैं, समझते हैं। अब देखा है कि कैपेसिटर को कौन सा सिग्नल मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये वाला इसको मिलेगा, है ना। यहाँ से जो भी आउटपुट मिला रेक्टिफायर से, वो आउटपुट सीधा इसको मिलेगा, है ना। चलिए तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, पहले तो कैपेसिटर का काम होता है इट स्टोर द एनर्जी, स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, कैपेसिटर इज कैपेसिटर स्टोर्स द चार्ज, है ना। और भी आपको पता है कि जैसे कैपेसिटर को मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, चार्ज होने लगता है कि ये प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस। चार्ज होगा तो क्या हो जाता है, इसके चारों वोल्टेज डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, सारी कहानी, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर चार्ज है तो वोल्टेज है। तो कैपेसिटर का काम होता है भाई चार्ज स्टोर करना, ये लिख लेना लाइन में। चलिए तो अब देखते हैं कैपेसिटर का क्या रोल है। तो देखो कैपेसिटर को जो सिग्नल मिल रहा है ना, उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, ओके। कैसा फोकस करेंगे, देखिए। तो एज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज वॉट, दिस वन इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, है ना। यही तो वोल्टेज उसको मिल रहा है। सो आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर विल कम अक्रॉस द कैपेसिटर, या फिर ऐसे लिखो, ये ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है ना, या फिर ऐसे लिखते हैं, कैपेसिटर गेट्स द वोल्टेज, कैपेसिटर गेट्स द आउटपुट वोल्टेज ऑफ गेट्स द वोल्टेज फ्रॉम ए फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर कैसा,
वोल्टेज मिलता है कैपेसिटर को, ये ऐसा मिलता है। तो कैपेसिटर के पास ये है वोल्टेज लेने के लिए। तो बड़े ध्यान से समझना, थ्योरेटिकल अप्रोच है। ये ऐसा देख सकते हैं, ब्लैक से बनाता हूँ ज्यादा बढ़िया रहेगा ये। आप भी ऐसा ही बनाना। को डॉट डॉट का खास मतलब नहीं है, बस डायग्राम समझने के लिए है। ये सारी प्रतिभा दिखाई जा रही है। इसको पॉइंट ए कह दो, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, जी है, एच है। तो देखो, पहले वोल्टेज के पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसे वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, एज वोल्टेज इंक्रीजेज, है ना, पहली बात ये आउटपुट है रेक्टिफायर का और ये आउटपुट है वोल्टेज, ठीक है। और ये वोल्टेज मिल रहा है किसको, कैपेसिटर को। कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। तो चार्ज कैसे हो रहा वो देख रहे हैं। एज वोल्टेज इंक्रीजेज, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, है ना। तो एज वोल्टेज इंक्रीजेज तो इसके ऊपर चार्ज बढ़ने लगेगा, यानी कि ये चार्ज होने लगेगा। तो एज वोल्टेज इंक्रीजेज कैपेसिटर गेट चार्ज और कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, खुद को वो चार्ज करने लगता है, चार्ज को स्टोर करता है ना। चार्ज को स्टोर करता है, तो स्टोर करते करते वो कितना खुद के ऊपर चार्ज डेवलप कर लेगा, या कितना वोल्टेज खुद के ऊपर डेवलप कर लेगा। तो यहाँ से वोल्टेज बढ़ा बढ़ा बढ़ा, मैक्सिमम कितना मिलेगा, वी ए, ओके। एंड चार्ज चार्ज अप टू पीक वोल्टेज एट ए, यानी कि ए का जो वोल्टेज है वहां तक ये क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां तक ये चार्ज होगा, मतलब पहले देखो यहां से चार्ज होना स्टार्ट हुआ होगा, यहां से ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां तक चार्ज हुआ, ठीक है, पीक। तो ये चार्जिंग है। अब देखो उसके बाद वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या होगा, डिस्चार्ज। यानी कि अब लिखेंगे ये कि आफ्टर पॉइंट ए वोल्टेज स्टार्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। सो कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज, हाँ डिस्चार्ज, तो चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, यानी कि पहले पॉइंट पर आ गया कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा था तो उसका चार्ज बढ़ रहा था, यानी उसका खुद का वोल्टेज भी बढ़ रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे वोल्टेज कम होने लगा, तो उसका भी ये डिस्चार्जिंग होने लगी। तो एज द इसे वोल्टेज का कह करते हैं क्या, इसे रेक्टिफायर वोल्टेज कहेंगे बेहतर होगा, क्योंकि रेक्टिफायर की वोल्टेज की हम बात करने कम ज़्यादा जो हो रहा है। एज रेक्टिफायर वोल्टेज इंक्रीजेज और एज रेक्टिफायर एट आफ्टर पॉइंट ए रेक्टिफायर वोल्टेज स्टार्ट डिक्रीजिंग, सही। तो ये क्या होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो यहाँ चार्ज हो रहा था, उसके बाद डिस्चार्ज। तो आप कहेंगे ये पॉइंट बी तक क्या हो जाना चाहिए, वापस जीरो आ जाना चाहिए, नहीं होगा। ये पॉइंट नंबर थ्री, क्या यहां लिख दो, यहां लिख देता हूं पॉइंट नंबर थ्री। ये ऐसा होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज कम होता जा रहा है, जैसे पॉइंट ए के बाद वोल्टेज कम हो रहा है, और वोल्टेज कहां तक कम हो रहा है, बी तक। लेकिन बी तक आने पर है ना क्या होगा, कि यहाँ से वोल्टेज ये तो नीचे जा रहा है रेक्टिफायर का, लेकिन जो कैपेसिटर का चार्ज है वो ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा,
ठीक है, ऐसे डिक्रीज डिक्रीज होना, उससे कहाँ आना होगा, जीरो तक आना होगा। लेकिन बी के जस्ट बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट पीक स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट वोल्टेज साइकिल स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ये पूरा जीरो नहीं होता है। फिर से बताते हैं, ठीक है। कैपेसिटर डिस्चार्ज स्लाइटली अप टू, कैपेसिटर डिस्चार्ज स्लाइटली बिकॉज जस्ट आफ्टर पॉइंट बी, जस्ट आफ्टर पॉइंट बी देर विल बी अ नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट साइकिल ऑफ पीक वोल्टेज, मतलब फिर से उसमें वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर से वो क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा, है ना। मीन कैपेसिटर स्टार्ट चार्ज, स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अगेन, वो फिर से क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। तो देखो सिंपल सी बात, हम समझो, एक मिनट फिर से बना देता हूँ। ये है रेक्टिफायर का वोल्टेज, है ना। तो पहले ये चार्ज होना स्टार्ट हुआ, पीक वोल्टेज तक स्टार्ट हुआ, फिर ये डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होते 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 पता चलेगा कि जैसे वेव फॉर्म रेक्टिफायर का वोल्टेज नीचे पहुंचा, तभी दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो पूरा डिस्चार्ज नहीं होकर के यहीं तक पहुंचा, फिर से ये पीक स्टार्ट हुआ, ऊपर पहुंचा, है ना, और फिर से ये इतना ही डिस्चार्ज होगा, ठीक है, फिर से ये यहाँ तक पहुंचा, फिर से इतना डिस्चार्ज हुआ, और फिर ये यहाँ पहुंचा, यानी कि हमें जो आउटपुट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है आफ्टर फिल्टर। अच्छा, एक पॉइंट के बाद ये भी लिख लेना कि दिस प्रोसेस विल रिपीटेड अगेन एंड अगेन, है ना, दिस प्रोसेस विल रिपीट अगेन एंड अगेन, और ये चलता ही रहेगा ऐसा, ठीक है, अगेन एंड अगेन दिख जाएगा। तो देखो हमें आउटपुट कैसा मिला, यही तो मिला है ना। तो देखो इसको चाहो तो यहाँ पर ऐसा मिला दो इसे, है ना, लगभग ऐसा ही मिला है, हाँ कि ना, देखो ये ऐसा, तो ये मिला है आफ्टर फिल्टर, ठीक है ना। तो इसको एक बार फिर से मैं पूरा ब्लॉक डायग्राम बना के बताता हूँ, है ना, चलिए मिटान दें। बस थोड़ा सा समझने लायक था कैपेसिटर के, भाई चार्ज डिस्चार्ज होने लगता है और इसकी वजह से क्या होता है, एक हमें नई वेव फॉर्म मिल जाती है ना। तो देखो ये कुछ ऐसा था, एसी था इनपुट में, फिर इसे भेजा रेक्टिफायर के पास, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर के पास। फुल वेव रेक्टिफायर के बाद हमने सबसे पहले इनपुट में दिया था ऐसा, फिर फुल वेव रेक्टिफायर मिल गया ऐसा, ठीक है, फिर हमने कहा ये तो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन है, तुमने कहा कि फिल्टर सर्किट यूज करो, फिल्टर सर्किट में क्या लगाओगे, कैपेसिटर लगाओगे, ठीक है, कैपेसिटर लगा के हमने देखा कि जो आउटपुट मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है, ठीक है, तो ये मिला हमें फाइनली डीसी। हालांकि इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा था, इसमें फ्लक्चुएशन कम आया, लेकिन आया तो इसमें भी है ना। चलो तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो ये है आउटपुट आफ्टर फिल्टर। अब कैपेसिटर यूज क्यों किया उसकी बात कर लेते हैं। कैपेसिटर का फायदा ये कि इसका लो कॉस्ट होता है, एक कैपेसिटर फिल्टर इज यूज बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट, लो कॉस्ट, लाइट वेट है ये, ठीक है, और भी छोटे मोटे बहुत से हैं, और
छोटे छोटे जो लोड होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर स्मॉल लोड करंट, ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए ही यूज करते हैं। ऐसे लोड जिनमें कम करंट चाहिए वहां पर कैपेसिटर फिल्टर का यूज होता है, जैसे एग्जांपल के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर। आपने देखा होगा कि वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही चलता है ना, जैसे ये 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट। वो काम किससे होता है, फिल्टर सर्किट ही वो काम करवाता है उससे, कि फिल्टर सर्किट है वो वोल्टेज पे अलग अलग पैरामीटर बनाता है। तो कुल मिला के एग्जाम्पल है वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, छोटा सा पॉइंट और रह गया, फिर आगे चेकअप कर लेंगे इसका। ये अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, तो ये इनपुट था एसी, है ना, ये था एक रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और एसी इनपुट में हम देते हैं कुछ ऐसा, और फुल वेव रेक्टिफायर में हमें कुछ मिलता है ऐसा, ठीक है। फिर हमने उसे भेजा, फिर हमने पहले तो यहाँ पर देखा भाई रिपल फैक्टर कितना होता है, वो सारी घटना हमने देख ली। फिर उसे हम भेजते हैं एक फिल्टर सर्किट के पास, कि इसके पास चला जा कैपेसिटर की, ठीक है। जितनी बार मैं सर्किट बना रहा हूँ उतनी बार बनाओगे तभी समझ में आएगा। और फाइनली उसे लोड से कनेक्ट कर देते हैं, कि भाई अब जो आउटपुट मिला है फिल्टर होकर के वो आउटपुट को भेज देना, ठीक है। तो इतने स्टेप हैं बीच में, है ना। अब ये जो आया है इसे कहते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और अनरेगुलेटेड डीसी वेवफॉर्म, अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज। अब ये क्या है, ये बहुत आसान है, देखो क्या, तो इसको हम चर्चा में लाते हैं, चलो चर्चा में ही लाते हैं। तो इतना याद रखो कि यहां पर हमें क्या मिला था, ये ऐसा मिला था, और इनपुट कैसा था, इनपुट ऐसा था, ठीक है। ये पावर सप्लाई है और वो आउटपुट है, हमें दिख रहा है कि उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, थोड़ा सा तो फ्लक्चुएशन अभी भी है, ठीक। तो उसका डायग्राम बना करके हम उसे डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज डीसी मतलब क्या, मतलब ये होता है अनरेगुलेटेड का, व्हेन जब आप एक पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं और उस पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद आपको जो आउटपुट मिला है अक्रॉस द लोड, लोड कनेक्ट है तब, तो आपने देखा कि उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई कहते हैं। सो ए पावर सप्लाई हुज आउटपुट चेंजेस, ए पावर सप्लाई हुज आउटपुट चेंजेस When load is connected across, when a load is connected across it, ठीक है, एक पावर सप्लाई whose output, जिसका आउटपुट चेंज हो रहा है, देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है, whose output changes when load is connected across it, ठीक है। तो इस तरह की पावर सप्लाई को, इस तरह की पावर सप्लाई को हम क्या कहते हैं, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई कहते हैं। सो इट्स कॉल्ड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो अब क्या करें, मजा आ जाता अगर ये इसकी वैल्यू कोई फिक्स होती तो, है ना। ऐसी अगर वैल्यू होती तो डिजायरेबल है ऐसा, है ना। तो ऐसी जो बिल्कुल ही चेंज ना हो, है ना, डीसी बिल्कुल भी वैल्यू चेंज ना हो, तो उसे कहते हैं रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज।
अब इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? एक पावर सप्लाई हुज आउटपुट रिमेन्स सेम यानी कि फिक्स्ड व्हेन ए लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज कॉल्ड रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, सो ए पावर सप्लाई, पावर सप्लाई हुज आउटपुट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हुज आउटपुट रिमेन्स कॉन्स्टेंट है ना, हुज आउटपुट रिमेन्स कॉन्स्टेंट व्हेन ए लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, व्हेन ए लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज नोन एज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई का वोल्टेज रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज है ना, उससे जो वोल्टेज मिलता है रेगुलेटेड, उससे जो इससे जो मिलता है वो अनरेगुलेटेड। अब बात आती है कि आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो इतनी खास बात नहीं है, ये तो अच्छी वेव नहीं है, ये अच्छी है, तो क्या करना होगा अनरेगुलेटेड से रेगुलेटेड लाने के लिए? तो अनरेगुलेटेड से अगर आपको रेगुलेटेड वोल्टेज वेवफॉर्म लाना है तो आपको यूज करना पड़ता है क्या? रेगुलेटर सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट क्या होता है पता चल गया होगा आपको। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आर यूज टू ऑब्टेन रेगुलेटेड डीसी सप्लाई। ओके, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आर यूज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आर यूज टू ऑब्टेन रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज। अब बात वहीं पर आ गई, फिर बढ़िया है, ये तो काम है उसका, लेकिन ये काम करेगा कौन है ना? तो बहुत से लोग हैं वैसे तो जो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का काम करते हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो जेनर डायोड का हम यूज करेंगे रेगुलेटेड वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए। कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वोल्टेज नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये थी यहाँ तक की कहानी है ना। सबसे पहले क्या होता था, एस इनपुट दिया, फिर फुल वेव रेक्टिफायर के पास किया, फिर हमें कंप्लीट साइकिल मिले, फिर हमने कहा कि उसमें तो फ्लक्चुएशन है, रिपल फैक्टर डिफाइन किया, वो डिफाइन करने पर हमने कहा कि भाई फ्लक्चुएशन है अच्छी बात है लेकिन हटाएं कैसे, फिल्टर लाओ। सस्ता सुंदर फिल्टर लेकर आए, महंगा फिल्टर लाया नहीं हम, ठीक है, तो कैपेसिटर ले आए। अब कैपेसिटर की भी खास बात क्या है कि ज़्यादा अच्छा तो ये देता नहीं है, नॉर्मल देता है, मतलब उसमें भी थोड़ा सा फिक्स वैल्यू नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है, इसलिए उसको नाम दिया अनरेगुलेटेड। अब अनरेगुलेटेड को डीसी, अनरेगुलेटेड डीसी को कन्वर्ट करना है रेगुलेटेड डीसी में, ये मेरी इच्छा है, डिजायरेबल है, ऐसा होना चाहिए। उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा क्या, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, और वो काम करेगा कौन, जेनर डायोड। जेनर डायोड पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये याद रखना, तभी जेनर डायोड समझ में आया था जेनर डायोड का यूज क्या है। ठीक है, चलिए, तो फिर मजे करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। ओके, टाटा।